क्वेश्चन नंबर पांच था, इफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन इज एन इज एन ए पी, है ना? यस सर। इफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन इज एन ए पी, इज एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस with common difference d, then we have to prove that tan inverse d upon 1 plus a1 a2 plus tan inverse d upon 1 plus a2 a3 प्लस डॉट 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 प्लस टेन इनवर्स डी अपॉन वन अपॉन ए एन माइनस वन ए वन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी अपॉन वन प्लस ए वन ए एन। ठीक है, अब देखो कोई भी समझदार बच्चा है तो इस क्वेश्चन को देखेगा और सोचेगा हम करेंगे तो हमें काम मिल जाए अपना। यहाँ पे देखो नीचे सारे के सारे प्लस चल रहे हैं, है ना, और ऊपर सब में डी लिखा हुआ है और हमको दिया है कि सिंस ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन इज इज एन ए पी, दिस मीन्स ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री डॉट 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 ए एन माइनस वन दिस ऑल इक्वल टू डी, है ना। तो नीचे वन अपन ए वन प्लस ए टू लिखा है तो डी की जगह पे ए टू माइनस ए वन लिखा जा सकता है। क्या लिखा सकता है? ए टू माइनस ए वन। सो एल एच एस ले लो और इसको लिखो टेन, इसको लिखो टेन इनवर्स, इसको लिखो a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2, लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a2 a3 प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स an माइनस 1 अपॉन 1 प्लस an माइनस 1 an, लिख सकते हैं ना। अब देखो अंदर जो लिखोगे तो इसका मीनिंग क्या है, ये टेन ए टू माइनस टेन ए वन दिया हुआ है, है ना? यस, दिस इज टेन इनवर्स ए टू माइनस टेन इनवर्स ए एन सॉरी ए वन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स ए थ्री माइनस टेन इनवर्स ए टू दिया हुआ है, इसको डॉट डॉट करते जाओगे तो क्या देख रहे हो, देखने में आ रहा है कि हर एक सक्सेसिव टर्म आपका कटता जा रहा है, है ना। टेन इनवर्स ए टू कट जाएगा, क्या है, टेन इनवर्स ए टू कट जाएगा इस वाले टर्म से, अगला टर्म आएगा उससे टेन इनवर्स ए थ्री कट जाएगा और डॉट डॉट जो एक टर्म बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बचेगा इसमें से आपका, वो क्या कौन सा टर्म बचेगा, टेन इनवर्स ए एन बचेगा इसमें खाली। ठीक है, बाकी सब कट जाएंगे। तो yes, दो टर्म बचे हुए अंदर कौन कौन से बचे हैं, टेन इनवर्स ए वन ये माइनस में जाएगा तो इसका मतलब इसको पहले लिख लो, टेन इनवर्स ए वन एंड टेन इनवर्स ए वन बचा हुआ है। देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दो तो बन जाएगा टेन, ये बन जाएगा टेन इनवर्स ए एन माइनस, क्या लिखेंगे इसको, ए एन माइनस ए वन अपॉन वन प्लस ए वन ए एन। अब हमको एक फार्मूला और पता है कि nth टर्म ऑफ एन ए पी ए एन इज रिटन एज ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लिख सकते हैं।
तो an की जगह पे उसको लिख दो, ये 10 अंदर बचा 10 इनवर्स, और a1 की जगह पे इसको रखेंगे तो a1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस a1 an बचेगा, 10 10 इनवर्स एंगल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस a1 an, ये हो जाएगा आपका RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, प्रॉपर्टी 9 का पहला फार्मूला 2 साइन इनवर्स है, ये सिमिलर फार्मूले हैं जैसे हम लोग साइन 2a का फार्मूला निकालते थे ना पहले, साइन 2a का फार्मूला उसी तरीके से ये भी फार्मूले हैं, तो इसी तरीके से आपका cos 2x का फार्मूला भी निकालना पड़ेगा अपने को, तो 2 cos इनवर्स x की वैल्यू क्या बन जाएगी। अच्छा चलिए अभी कास को एक मिनट बाद लेंगे, पहले साइन 2a देख लो, साइन 3a चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो साइन 2a का फार्मूला हो गया 3 साइन a वाले की तरफ पे साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला निकालते हैं, कितना हो जाएगा ये फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रोवाइडेड 1/2x 1/2, ध्यान रखना ऊपर वाले में अंडर रूट है, नीचे सिर्फ 1/2 है। यस सर। ये बन जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, ये माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, एक्स इज लेस देन माइनस 1/2। इसी तरीके से आप साइन 2 साइन इनवर्स x लिखने के बाद में 10 का फार्मूला लिखते हैं हम, और देखते हैं क्या फार्मूला होगा, तो 2 10 इनवर्स x इक्वल टू जो 10 का फार्मूला पढ़ा था हमने, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y वाले उसमें या प्लस y वाले में उसी में x y लिखते चले जाना अपने को, x इक्वल टू y, ये बन जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y, ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या था इसके लिए, इफ माइनस 1 एक्स 1, ये बन जाएगा पाई प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये बन जाएगा माइनस पाई प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ 1/√3 एक्स 1/√3 हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 है। सेकंड क्या है, 3 10 इनवर्स एक्स। ये हो जाता है 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इफ 1/√3 पाई प्लस 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1/√3 माइनस पाई प्लस 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर
if x is less than minus 1 by root 3. तो पिछली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan inverse 1 by 5 minus 10 inverse 1 by 70 प्लस हो गया बेटा? हेलो सर एक मिनट सर, एक ही क्वेश्चन है सर, एक ही क्वेश्चन है इसमें। ये एक ही क्वेश्चन है इसमें। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 11 देखते हैं। यस। प्रॉपर्टी नंबर 11, ये जैसे टेन टू एक्स का फॉर्मूला जो लिखते थे, साइन और कास के दोनों के टर्म लिखते थे ना, ये उसी पे बेस्ड है। तो 2 tan inverse x का फॉर्मूला साइन और कास इनवर्स के टर्म में क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x/1 + x². कंडीशन वही जो पीछे थी, -1 x 1 pi प्लस करके लिखना पड़ेगा, मतलब पाई से माइनस करेंगे इसको, 2x/1 + x² इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, और माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स करना पड़ेगा 2x/1 + x². एक्स तो हम बहुत केयरफुली इसको देख सकते हैं कि 10 का 10 में लिखते हैं फार्मूला तो पाई प्लस 10 इनवर्स होता है, पाई माइनस 10 इनवर्स होता है, साइन के साथ करते हैं तो पाई माइनस साइन का टर्म, इसमें माइनस पाई माइनस साइन का टर्म होता है।
ठीक है, तो इसमें या तो इसको पाई से माइनस करके एंगल दिख रहा है या इसमें पाई ऐड करके एंगल दिख रहा है माइनस पेज में आपको, ठीक है। जबकि टेन वाले में क्या था, पाई के टर्म में चल रहा था, देखो या पाई प्लस किया या माइनस पाई किया यहाँ पे, ठीक है। यस सर। इसी तरीके से इसी का फार्मूला होता है कॉस के टर्म में, लिखे तो क्या लिख सकेंगे इसको हम, कॉस के टर्म में बन जाएगा ये सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इफ जीरो एक्स इंफिनिटी हो, तो ये माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इफ ये माइनस इंफिनिटी एक्स जीरो हो जाए। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 11 हो गई आपकी ये। अब कुछ क्वेश्चन हम को नोट कर लेते हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी आपके इस चैप्टर की, ठीक है। प्रॉपर्टी तो वो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें बीच में फार्मूले कुछ एप्लीकेशन उनका आता रहेगा, तो वहां पे उसको भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी कास के कुछ फार्मूले उनको ग्राफ में देखेंगे हम, उनको प्रूव करेंगे आगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जो हमें बनाने हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। प्रॉपर्टी 11 के बाद में क्वेश्चन है आपका नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है इफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। If sin inverse 4x upon x square plus 4 plus 2 tan inverse x by 2 minus 2 tan inverse minus x by 2 is independent is independent of x, find the value of x। Question number 3, if cos inverse 6x upon 1 plus 9x equal to minus pi by 2 plus 2 10 inverse 3x, then find the values of x। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1 by 2 10 inverse 2x upon 1 minus x square and minus 10 inverse x। नोट कर लिया तो नेक्स्ट पेज में।
चलो एक मिनट। फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव। सॉल्व cos inverse 1 by 2 x square plus under root 1 minus x square under root 1 minus x square by 4 equal to cos inverse x by 2 minus cos inverse x. Question number 6. If x element, सर क्वेश्चन नंबर फाइव में इक्वल प्रूफ करना है मतलब? ना ना, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है आपको। ओके ठीक है, सॉल्व लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये है ना। यस सर। सॉल्व का मतलब इन दोनों को इस तरीके से यूज करेंगे, फल से ये है तो इसमें फार्मूला लगा दो। यस सर। फार्मूला लगा करके कौन सा फार्मूला लगाओगे? cos x minus cos y वाला। यस सर। तो दोनों तरफ cos इनवर्स बन जाएगा, उसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये फंक्शन इक्वल टू अंदर वाला फंक्शन हो जाएगा इक्वल। उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है, जहां भी सॉल्व है मतलब x की वैल्यू निकालना आपको। ओके सर। इफ x एलिमेंट 0 टू पाई बाय 2 देन सो दैट, अब यहां पे प्रूव करना है cos इनवर्स 7 by 2 in bracket 1 plus cos 2x plus under root sin square x minus 48 cos square x bracket 1, इसके बाहर है sin x इक्वल टू एक्स माइनस कॉस इनवर्स 7 कॉस। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक फॉर्मूला है एक तरीके का, ये प्रूव दैट टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू पाई माइनस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ x lies between this and cos inverse 2x square minus 1 if x lies between 0, 1। लिख लिया सर। लिख लिया।